जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बनी हुए हर घर शौचालय की योजना हो, या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था उसे आवास देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना, या फिर इन्हीं सभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे एक सामान्य शिक्षक से लेकर के आज चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है, पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था, अब प्रधानमंत्री जी ने यह व्यवस्था पुख्ता कर दी है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देने के लिए आज मैं स्वयं हरदोई जनपद में आया हूं।